हे फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्पेशल केसेस इन हाइब्रिडाइजेशन, वेयर यू विल सी दैट हाउ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है फॉर आईआईटी एंड नीट, बिकॉज हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स लिखा है वो भी बहुत ही सिलेक्टेड है, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो फिजिकल स्टेट फ्रेंड्स मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कैसे फिजिकल स्टेट के चेंज होने पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है PCl5। तो फ्रेंड्स, PCl5 का अगर आप सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वो आएगा sp3d। लेकिन फिर सब ध्यान दें कि मैंने यहां पे उसके स्टेट को डिफाइन किया है और लिखा है सॉलिड। तो फिर जब PCl5 सॉलिड फेज में होता है तो वो PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयोनाइज हो जाता है और बन जाता है PCl4 प्लस PCl6-। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अगर ये सॉलिड फेज में है तो ये टूट जाता है और बन जाता है PCl4 प्लस PCl6-। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 आएगा। अब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका sp3 एंड इसका आएगा sp3d2। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गलती करने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस में उसके फिजिकल स्टेट को डिफाइन किया गया है या नहीं। अगर उसके फिजिकल स्टेट को डिफाइन नहीं किया गया है तो आप सिंपली जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं आप वैसे ही निकालेंगे। इस मेथड को आप तभी अप्लाई करेंगे जब वहां पर फिजिकल स्टेट गिवन होगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक वाले वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट है PBr5। तो इस PBr5 अगर सॉलिड फेज में होता है तो वो एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस प्लस Br- में। फ्रेंड्स, ये PCl5 की तरह नहीं टूटता है बिकॉज ब्रोमीन की साइज जो होती है वो क्लोरीन से बड़ी होती है, तो यहां पे PBr6 एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ब्रोमीन की साइज बड़ी है, तो 6 ब्रोमीन एक फॉस्फोरस के साथ अटैच नहीं रह सकता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो फ्रेंड्स, ये टूट जाता है PBr4 प्लस Br- में। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ये आएगा sp3। तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे फिजिकल स्टेट के साथ आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है PI5। तो फ्रेंड्स, ये आयोनाइज होता है एक्वस फेज में। फ्रेंड्स, आपको उसके स्टेट को याद रखना होगा बिकॉज अगर आप यहाँ पे सॉलिड फेज में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपके इसके स्टेट को याद रखना होगा कि किस स्टेट में ये आयोनाइज होता है। तो फ्रेंड्स, ये बन जाता है PI4 प्लस I-। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, आएगा sp3। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर आप देखें N2O5, तो N2O5 सॉलिड फेज में ही टूटता है और बन जाता है NO2 प्लस प्लस NO3-। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, ये आएगा sp2 एंड ये sp। फ्रेंड्स, ये सारे एग्जांपल्स को आपको याद रखने होंगे। फ्रेंड्स, यहां नेक्स्ट है XeF6। ये सॉलिड फेज में टूटता है और बनाता है XeF5 प्लस F-। यहाँ पे जिनॉन की साइज बड़ी होती है फ्रेंड्स, इसलिए वो XeF6- में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा ICl3। तो फ्रेंड्स, अगर ये सॉलिड फेज में होगा तो फ्रेंड्स ये डाइमर बनाता है। डाइमर मीन्स फ्रेंड्स के दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं और ये बन जाता है I2Cl6। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो वो आएगा sp3d2। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ICl3 सॉलिड फेज में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो आप उसके डाइमर के हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे, ना कि आप ICl3 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें ICl3। तो फ्रेंड्स, अगर ये लिक्विड फेज में है, अगर ये सॉलिड फेज में होता है तो डाइमराइज होता है, लेकिन अगर ये लिक्विड फेज में है तो ये आयोनाइज होता है और आयन बनाता है ICl2 प्लस
प्लस आईसीएन 4-. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कैसे फिजिकल स्टेट चेंज होने के साथ आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। इसके हाइब्रिडाइजेशन को आप निकाल सकते हैं, इसका आएगा sp3 एंड इसका sp3d2। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर आप देखेंगे SiO2, BeF2, BeCl2 एंड BeH2, अगर ये सारे फ्रेंड्स सॉलिड फेज में होते हैं तो ये सारे पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और इनका हाइब्रिडाइजेशन जो डिफाइंड होता है वो होता है sp3। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखने होंगे, SiO2, BeF2, BeCl2 एंड BeH2 अगर ये सारे सॉलिड फेज में है तो पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर आप देखें SiO2, तो मैं SiO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। अगर आप SiO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का आता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही लंबा चेंज आता है, आप इसको इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर ये एजाइन स्ट्रक्चर बनता है, इसको आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं सिंस ये पॉलीमर है। तो फ्रेंड्स अगर आपने कोवेलेंट स्पीसीज में पढ़ा होगा कि SiO2 एक ऐसा कोवेलेंट स्पीसीज होता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। तो फिर उसका रीजन यही है कि यहाँ पे सिलिकन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता जल्दी और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्शन होता है कोवेलेंट स्पीसीज का। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देखेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आराम से निकाल सकते हैं और इन पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें आप SO3 फ्रेंड्स अगर सॉलिड फेज में होता है तो ये एग्जिस्ट करता है ट्राइमर के रूप में और उसको आप पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेन टाइप का होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्राइमर बनाता है, ट्राइमर मींस इसके 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं और ये बनाता है S3O9 जब ये सॉलिड फेज में होता है तब। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ यहां पे सल्फर अगेन डबल बॉन्ड ओ सल्फर तो ये फ्रेंड्स कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्रेंड्स आप पे अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं L1 L2। तो आपसे रिलेशन पूछा जाएगा कि विच इज ग्रेटर, आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं कि L2 इज ग्रेटर देन L1। और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि 2p पाई 3d पाई बॉन्डिंग कितना है, आप देखिए यहां पे 6 है। और पूछा जा सकता है कि SOS लिंकिंग कितना है, आप देखिए यहां पे SOS लिंकिंग 3 है। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, SS लिंकिंग यहां पे 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर से अगर नेक्स्ट देखें आप SeO3, तो फ्रेंड्स ये जब सॉलिड फेज में होता है तो ये टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस इसके 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं और ये बन जाता है SeO4O12। और यहां पे फ्रेंड्स जो तीनों सल्फर था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। तो फ्रेंड्स अगर आपसे SO3 सॉलिड के हाइब्रिडाइजेशन को पूछा जाए तो आप sp3 बताएंगे। SeO3 में फ्रेंड्स आप ऐसे ही निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, सिंपली स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही बनेगा जैसा SO3 सॉलिड का बना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए आप ICl, तो ये फ्रेंड्स अगर सॉलिड या मोल्टेन फेज में होगा तो ये टूटता है I2Cl प्लस ICl2-। सिमिलरली इसी की तरह होता है ICn, अगर ये भी सॉलिड या मोल्टेन फेज में होता है तो ये बन जाता है I2
CN प्लस प्लस I CN2 माइनस। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कैसे फिजिकल स्टेट के साथ आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं सिंपली इसको एज अ चार्ज स्पीसीज की तरह बिहेव करके। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है AlCl3। तो जब AlCl3 सॉलिड फेज में होता है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया जाता है sp3d2। और वही जब वो वेपर फेज में होता है और उसके टेम्परेचर को भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको वेपर फेज सिंपली ना दे करके आपको टेम्परेचर भी दिया हो सकता है। तो जब 250 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन जो होता है वो sp3। सिमिलरली AlBr3 जब सॉलिड फेज में होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड सिमिलरली AlI3 भी sp3। ये सारे फ्रेंड्स डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे फिजिकल स्टेट चेंज होने की वजह से कैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने की जरूरत है और याद करने के लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली इसको डेली रिवीजन करना है जिससे आपको ये याद रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप एग्जाम्स में कम समय में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि दिस विल वर्क फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।